लेडीज आप बिल्कुल अपने कान खोल के इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लें, क्योंकि 10 महिलाओं में से अगर मैं एक महिला की बात करूं तो उसको ये दिक्कत है, जो कि क्या है, PCOD। आपने नाम ज़रूर सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, मुझे कहा कि इसके बारे में वीडियो बनाओ, और मैं ये आपको बता दूं कि ये एक गायनेकोलॉजिकल एपिडेमिक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और जो यंग एज की गर्ल्स है उनके अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, आपको कैसे पता चले कि कहीं आपको PCOD तो नहीं है, और ये PCOD है क्या, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ कि PCOD है क्या। अब इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, कोई इसको बोलता है सिर्फ PCO पॉलीसिस्टिक ओवरी, उसके बाद बोलते हैं PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या फिर बोलते हैं PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये तीन चीज़ें हैं और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इनका एक ही मीनिंग है कि क्या जो ओवरी होती है, मतलब कि जो महिला का अंडाशय होता है उसके अंदर सिस्ट है। अब सिस्ट क्या होता है, एक मतलब कि यूँ मान लो कि पानी से भरा हुआ एक दाना टाइप है, ओके, उसको हम बोलते हैं सिस्ट। तो वो हो जाते हैं ओवरी में, और पॉलीसिस्ट मतलब कि बहुत सारे सिस्ट होना ओवरी के अंदर, ओके। तो अब बात आती है कि ये होती क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अंडाशय है, जो ओवरी है, उसके अंदर क्या हो गए हैं, सिस्ट हो गए हैं, और बहुत सारे सिस्ट हो गए हैं। तो ये होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, PCOD। उसके बाद बात आती है कि हमें पता कैसे चले कि कहीं हमें ही तो नहीं हो गई है PCOD, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि 10 में से एक महिला को PCOD मिल रही है, तो कहीं वो एक महिला आप तो नहीं है, ये सिम्टम आपको कैसे पता चले। तो क्या हो सकते हैं, सबसे पहली चीज़ जो होगी वो क्या होगी, आपके जो पीरियड्स होते हैं, जो आपकी मासिक धर्म होता है, वो क्या होगा, इररेगुलर होंगे, मतलब कि वो सही टाइम पे नहीं आएंगे, हर महीने अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं। कभी क्या हो रहा है कि बहुत लंबा टाइम लग रहा है उनको आने में, कभी 20 दिन में ही आ जा रहे हैं, कभी 30 दिन में आ रहे हैं, कभी 40 दिन में आ रहे हैं, तो ऐसे इररेगुलर है। उसके फ्लो में दिक्कत है, मतलब कभी बहुत ज़्यादा होता है, जो ब्लड निकलता है वो बहुत ज़्यादा है, कभी बहुत कम है, कभी बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है, ऐसे ऐसे पीरियड्स चल रहे हैं, मतलब पीरियड्स में दिक्कत चल रही है आपकी, सबसे पहली चीज़ हो गई ये। उसके बाद आपको क्या हो, अगर आपका वेट एकदम से बढ़ता ही जा रहा है, वेट गेन होता जा रहा है, तो एक दिक्कत है। तीसरी दिक्कत क्या है कि जो वेट है वो है ऑलरेडी, आप उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आपको PCOD है। उसके बाद क्या होता है PCOD में, कि जो एक महिला होती है उसके शरीर में जो आदमियों वाले हार्मोन होते हैं, जो मेल हार्मोन होते हैं, मतलब कि जो पुरुष वाला केमिकल है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होगी, महिला के अंदर क्या दिखेगी, पुरुष वाली चीज़ें दिखने लग जाएंगी, जैसे कि आपके यहाँ पर अपर लिप पे बाल हो जाना, आपकी चिन पे बाल हो जाना, जैसे मूंछ दाढ़ी हो जाती है ना आदमियों में, वैसे आपके यहाँ पे फेस पे हेयर हो जाना, हेयर ग्रोथ, बालों की ग्रोथ, आपकी स्किन पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, आपको एक्ने होना, मतलब कि जो दाने जिसको बोलते हैं पिंपल बोलते हैं एक्ने, वो हो जाना बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें, आपकी जो आवाज़ है उसके अंदर चेंज होना, आपकी क्या है थोड़ी भारी या फिर मैं बोलूंगी हस्की वॉइस हो जाना, तो ये सब चीजें होती हैं सिम्टम किस चीज के, PCOD के। और क्या होगा, और जो महिलाएं आती है जिस प्रॉब्लम को लेकर, ज्यादातर वो होती है इनफर्टिलिटी, मतलब कि उनका बच्चा पैदा करने में उनको दिक्कत हो रही है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, मतलब कि कंसीव नहीं कर पा रही, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो उस दिक्कत के साथ आती है। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है किस चीज का, PCOD का। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि कहीं आपको PCOD तो नहीं है, अगर आपको ऐसा कोई भी साइन आपके अंदर दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, जल्दी से डॉक्टर के पास भागना चाहिए और सिर्फ एक चेकअप करवाना चाहिए, आपको अपनी हिस्ट्री वगैरह देखे कि हाँ मुझे ये चीज़ें हो रही हैं। अब डॉक्टर पता कैसे लगाएंगे कि इसका डायग्नोस कैसे होता है, कैसे पता लगाते हैं डॉक्टर, तो उसके अंदर तीन चीज़ें देखी जाती है, तीन क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहली चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया पीरियड्स की, तो ये देखी जाती है कि पीरियड की जो साइकिल है, जो ओव्यूलेशन है, उसका पीरियड देखा जाता है कि वो इरेगुलर तो नहीं है, और इरेगुलर है तो आगे की चीजें, ठीक है, सबसे पहली चीज ये देखी जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा कि जो मेल हार्मोन है, जो मैं आपको बता रही हूं पुरुष वाला केमिकल, वो तो शरीर में नहीं बढ़ गया है, उसको देखा जाएगा। अगर वो होगा तो कैसे साइन सिम्टम दिखेंगे, बाल होंगे, अलग
अलग अलग जगह पे जहाँ फीमेल के नहीं होते या कम होते हैं, अपर लिप पे, चिन पे, फेस पे बहुत सारे दाने होंगे, एक्ने होंगे, ओके, हस्की वॉइस होगी, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद क्या देखते हैं, लास्ट में अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड के अंदर क्या करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं, अल्ट्रासाउंड के हेल्प से देखते हैं अंडाशय को, उसके अंदर फिर दिखाई दे जाता है कि सिस्ट है या नहीं है। तो अगर उसके अंदर सिस्ट मिलते हैं तो मतलब कि आपको PCOD है, मतलब कि अगर बहुत सारे पोली मतलब बहुत सारे सिस्ट अगर दिखाई देंगे तो ऐसे डॉक्टर देखते हैं कि आपको PCOD है या नहीं है। सिम्टम आपको पता चल गए, ये आपको पता चल गया कि आप चेक कैसे करवाएंगे और अगर चेक करवाने जाते हैं तो क्या चेक किया जाता है। उसके बाद हम क्या बात करेंगे कि ये होते क्यों है, मतलब अगर किसी को हो रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ 10 में से 1 महिला को हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई, इतना ज़्यादा भी क्यों हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर ऐसा, मतलब बहुत लोग बोलते भी हैं कि ना उसकी फैमिली में था, उसकी मम्मी को था, उसकी मौसी को था, किसी को भी ऐसे फैमिली में चल रहा था तो इसीलिए उसको भी हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही, जेनेटिकली ये हो सकता है, मतलब कि अगर फैमिली में चल रही है ये डिजीज, जेनेटिक है तो वो हो सकती है, उससे वो एक कारण है उसका। उसके बाद अगली बात क्या आती है, लाइफस्टाइल जो बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। जैसे कि पहले की अगर मैं बात करूँ, आज से 20 से 30 साल पहले की बात करूँ तो PCOD का एक भी केस नहीं था और अभी इसके केस इतने ज़्यादा बढ़ गए। तो ऐसा क्यों, ऐसा सोचिए कि ऐसा क्या चेंज आया है पहले से अब तक, राइट? तो क्या चेंज आया है हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे डाइट में, हमारे सिडेंट्रीनेस में, कि हम बिल्कुल सिडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करें, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मशीन्स इतनी ज़्यादा हो गए कि हम अपनी बॉडी का यूज़ कर ही नहीं रहे, हम कुछ काम खुद कर ही नहीं रहे। तो ये सब चीज़ें और हमारी डाइट में जो चेंजेस आ गए हैं, वो हम बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ, प्रोसेस्ड फूड की तरफ भाग रहे हैं, तो वो सब चीज़ें क्या बन रही है, रीज़न बन रही है PCOD का, गायनेकोलॉजिकल एपिडेमिक करने में। तो ये सब क्या है, कारण है PCOD होने के। तो आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे PCOD के बारे में। तो ये क्या बातें थी कि PCOD होता क्या है और उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे डायग्नोज किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि आपको PCOD है या नहीं और ये क्यों होता है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को आपको लाइक करना है, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ डेटा कि 10 में से 1 महिला को ये है, तो मैं चाहती हूँ सब तक ये जानकारी पहुँचे और उनको थोड़ी से नॉलेज मिले और वो अपने में कुछ चेंजेस लाएँ जिससे वो ठीक रहेंगे, ओके। और वीडियो को आपको बहुत ज़्यादा शेयर करना है, जैसे कि मैंने आपको बोला, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वीडियो से क्या आपको सीखने को मिला है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।